नमस्कार, स्वागत है आपका जे जे न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उवैस। तो वक्त हो गया है उत्तराखंड बुलेटिन का, तो रुख करते हैं उत्तराखंड की कुछ मुख्य खबरों की तरफ। उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी को नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने संगीत नाट्य अकेडमी सम्मान से सम्मानित किया। उन्हें सम्मान उत्तराखंड में लोक संगीत क्षेत्र में कार्य करने के लिए दिया गया है। उनके साथ समारोह में उनकी पत्नी उषा नेगी भी मौजूद रही। इस सम्मान के तहत उन्हें 1,00,000 की राशि, अंगवस्त्र और ताम्रपत्र देकर सम्मानित किया गया। इसके बाद 13 अप्रैल को नई दिल्ली में ही नरेंद्र सिंह नेगी की एक प्रस्तुति भी होनी है। दिल्ली के विज्ञान भवन में हुए समारोह में 44 अन्य हस्तियों को भी सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाहरी राज्यों से उपखनिजों के आयात पर रोक लगाकर खनन माफियाओं को जोर का झटका दिया है। ये खनन माफिया हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के हैं। धामी सरकार के इस कदम से उत्तराखंड को सालाना लगभग 40 करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान होने से बचने की उम्मीद है। सरकार के इस आदेश पर सख्ती से अमल हुआ तो यमुना जैसी नदियां हमारे राज्य के लिए पैसों का पेड़ साबित होंगी। धामी सरकार की इस कार्रवाई से खनन माफियाओं में खलबली मची हुई है। लालकुआ की एक रेलवे की स्लीपर बनाने वाली फैक्ट्री में आज बड़ा हादसा हो गया, जब फैक्ट्री की 65 फीट लंबी चिमनी अचानक से भरभरा कर गिर गई। गनीमत रही थी इस हादसे में किसी को कोई चोट नहीं आई। जानकारी के मुताबिक सुबह 9 बजे से प्लांट को चालू होना था, लेकिन उससे पहले ही चिमनी गिर गई। हादसे में किसी तरह का कोई जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन फैक्ट्री के एक हिस्से को बड़ा नुकसान पहुंचा है। वहीं पूरे मामले में प्लांट प्रबंधन कुछ भी कहने से बच रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की, जहां मुख्यमंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के बीच राज्य में शिक्षा के विकास और कौशल विकास को लेकर महत्वपूर्ण बातचीत हुई। जहां केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में शिक्षा के विकास के लिए केंद्र सरकार से हर संभव मदद दी जाएगी। चुनाव खत्म होने के बाद भी बीजेपी कांग्रेस को झटके देने में जुटी हुई है। चुनाव के दौरान तो कई नेताओं ने दल बदल किया, वहीं कांग्रेस भी भयंकर हार के बाद कांग्रेस से अब कार्यकर्ताओं का मुंह भंग होता दिख रहा है। ऐसे में कांग्रेस के प्रदेश सचिव और पूर्व नानकमत्ता मंडी चेयरमैन केडी गहतोड़ी ने भी आज भाजपा का दामन थाम लिया। उन्होंने सचिवालय में इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शिष्टाचार भेंट भी की। तो उत्तराखंड की इन मुख्य खबरों में अभी के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जे जे एन न्यूज़ के साथ, क्योंकि जे जे एन न्यूज़ में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।